स्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्री युतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण लीला श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक शनिवार कार्यक्रम में। संयोगवश ये जो दिन है हमारे विश्व हरिनाम महोत्सव के बीच में आया है और मुझे मंदिर व्यवस्थापन समिति की तरफ से ये एक बड़ा अच्छा अवसर मिला है जिसमें हरिनाम के ऊपर मुझे चर्चा करने की मौका मिला है। तो मैं मंदिर व्यवस्थापन समिति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूं, याचना करता हूं कि उनकी कृपा से मैं कुछ हरिनाम के ऊपर बोल पाऊंगा, कुछ जो बनेगा देखते। हरे कृष्ण। तो अभी देखिए यहाँ पे जो ये वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल ये बैनर दिख रहा है इसमें पीले रंग से लिखा लेट्स मेक द वर्ल्ड फॉर्चुनेट, अर्थात हिंदी में कि चलिए मिलके इस विश्व को भाग्यवान बनाते हैं। तो हम लोग अभी जितने भी हैं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके भाग्यवान की एक परिभाषा अलग है। सब लोग भाग्यवान अपने अपने हिसाब से समझते हैं, जो उनकी मनोगति है मनोवृत्ति है उसके हिसाब से, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भाग्यवान मनुष्य कौन है? शास्त्रों के अनुसार भाग्यवान मनुष्य वो है जो जन्म मृत्यु से परे जाए, जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो इस चक्र है उससे जो बाहर निकल जाएगा वही भाग्यवान व्यक्ति है, जो इस चक्रव्यूह से छुटकारा प्राप्त कर ले वही भाग्यवान व्यक्ति है। ये हमारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो ऐसे में हमारे एक शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में ये श्लोक शौनक आदि ऋषि उनके द्वारा रचित है। वो कहते हैं आपन्नम संस्वतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन तत्सद्य विमुच्चेत यद्भेति स्वयं भयम्। अर्थात जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे मतलब हरिनाम से भयभीत है। तो यहाँ देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि कोई भी अनजाने में हम जान के भगवान कृष्ण का भी नाम ले रहे हैं और कोई अनजाने में भी नाम ले रहे तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो भय यहाँ भय का अर्थ है साक्षात यमराज से, कि यमराज भी भयभीत हैं कृष्ण के नाम से। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के नाम साक्षात भय तक भयभीत हैं। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अभिन्न शब्द का मतलब अलग अलग नहीं, इससे एक ही है। अर्थात कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चरित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। तो हम लोग को जन्म मृत्यु का जो एक गुत्थी है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक झंझट है, एक चक्रव्यूह है। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, जब हम कृष्ण बोलते हैं
तो वो साक्षात स्वयं श्री कृष्ण के समान शक्तिमान है। तो हमारा जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने का अर्थ है, हम भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण को कहाँ ही स्मरण कर रहे हैं, वो हमारे पास है। तो जैसे ही हम ये इस चीज के अवगत हो जाते कि हम जब कृष्ण का नाम ले रहे हैं वो साक्षात श्री कृष्ण है, वो पूर्ण शक्तिमान हमारे अगल बगल में है, तो हमें कोई भी संकट में डर नहीं लगता। हमें हमारा जो भी हमें आया है संकट, हम समझते हैं कि ये सबसे पावरफुल सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है हमारे पास। जैसे इसमें देखिए, हमें हमारे अंदर में कोई शक्ति का संचार नहीं होता। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा 2-3 साल का हो, वो जब एक कुत्ते को देखता है तो डर जाता है, लेकिन वहीं जब वो देखता है कि कुत्ता है तो डरता है, लेकिन बगल में अगर माँ को देख लेता है उसका डर खत्म हो जाता है, वो माँ की तरफ जाता है। तो उस समय बच्चे ने अपने में कोई बहुत बड़ी शक्ति का संचार नहीं हो गया, सिर्फ वो समझा कि मेरे बगल में मेरी माँ विराजमान है, मेरी माँ का विद्यमान है, तो उसके अंदर अपने आप वो जो भय है वो खत्म हो जाता है। तो ये हमें जैसे ही हमें समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण का हम जब नाम लेते हैं, यानी हमारे बगल में श्री कृष्ण है, तो हमारे अंदर जो भी ये भय है, भय रूपी जितने भी तत्व हैं, वो सब का निवारण हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में कई सारे श्लोक, 18,000 श्लोक हैं, और इस अलौकिक ग्रंथ में जो रचना की गई उसको एक काव्य के रूप से कहा जाता है कि एक काव्य है। तो ऐसा कहा जाता है कि काव्य के अंत में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी सबसे मेन जो चीज है, उसको महत्वपूर्ण चीज है, उसको एक सीधे अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टेक होम मैसेज, मतलब आप घर जा रहे तो मैं क्या लेके जाऊं। तो कोई अगर श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद पढ़े, 18 पुस्तक पढ़े, 18,000 श्लोकों का वाचन करे, तो मैं इसमें से क्या समझू, क्या मैं सार लू, तो वो यहाँ पे 18वें 12वें स्कंद के आखिरी अध्याय में आखिरी श्लोक में बताया गया है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। मैं उन हरि उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है, और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, ये मैसेज दिया गया है कि हम अगर भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग सब लोग मिलके करें, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे जितने भी भौतिक कष्ट हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। देखिए, हम अभी हरिनाम जब इनके बारे में, महिमा के बारे में जानेंगे, तो देखेंगे कि ये सिर्फ भौतिक कष्ट या पापों की बात चल रही है। तो ये जो पाप हैं और ये जो भौतिक कष्ट हैं, एक तरीके से ये हमारे भगवान और हमारे और भगवान के बीच में एक एक ऑब्स्टेकल है, एक रोड़ा है, जो हमें भगवान के प्रति, हमारे भगवान हमें और भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है उसको स्थापित करने में एक एक तरीके से रोक रोक रोकता है हमें। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है और हम भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। हमारे एक आचार्य हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो अपनी टीका में एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है उन्होंने, जिसमें हरिनाम की महिमा का वर्णन किया है। ये मुझे इंग्लिश में ही मिल पाया, मैं हिंदी में लिख नहीं पाया, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। मधुरा मधुरम एतान मंगलम मंगला नाम सकल निगम वल्ली सत फलम चित स्वरूपम सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। तो यहाँ बताया गया है कि जैसे ही हम हरि का नाम जपते हैं, तो इस पूरे आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत सब में सबसे गुणकारी कार्य है, सबसे ज्यादा हमें उससे हमें पुण्य मिलता है, पुण्य से ऊपर की चीजें मिलती हैं। तो अब इसका कैसा नेचर है, तो ये जिस तरीके से हमारा मधु, शहद, हनी,
वो है उससे भी ज्यादा मीठा है, उससे भी ज्यादा हमें आनंद प्रदान करने वाला है। ये पूरे शास्त्रों का, ये पूरे शास्त्रों का निचोड़ है जो एक 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 फल के रूप में है जो हमें मिलता है। सारे मंगलों मंगल कार्यों में सबसे ज्यादा मंगलकारी है। तो इस तरीके से कोई भी अगर इसको जाने अनजाने भी भगवान का नाम अपराध रहित ले तो उसको ये आत्म साक्षात्कार होएगा, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। ये श्लोक स्कंद पुराण से है, फिर हरि भक्ति विलास में भी बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे वाल्मीकि ऋषि की कथा आती है। वाल्मीकि ऋषि अपने पिछले जन्म में एक व्याध थे, एक हंटर थे, और उनको क्योंकि उनका व्यवसाय ही ऐसा था कि उनको पशुओं को मारना है। तो एक बार नारद मुनि देखते हैं कि उनसे मिलते हैं कि और फिर उनसे चर्चा करते हैं, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उनके बीच में काफ़ी गहन चर्चा होती है और उसमें जो हमारे व्याध है नारद मुनि की बात मान जाते हैं और सब कुछ छोड़ के वो हरि का नाम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लेकिन क्योंकि उन्होंने इतने पाप कर्म किए हैं कि उनसे हरि का नाम लेने को हो नहीं रहा था। वो बार बार उनको जब नारद मुनि कह रहे थे कि आप राम का नाम लो, लेकिन वो ले नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास एक तरीके से वैसी योग्यता नहीं थी कि वो हरि का नाम ले पाए। फिर हमारे नारद मुनि जो एक बहुत ही बड़े अनुभवी प्रचारक हैं, उन्होंने बोला ठीक है तुम अगर हरि का नाम नहीं ले पा रहे, राम नहीं बोल पा रहे, तो ठीक है मरा बोलो। तो क्योंकि वो मारता था तो मरा बोला, बोल पाया वो। फिर नारद मुनि ने उनको फिर चेष्टा की कि फिर से तुम मरा बोलो। फिर ऐसे कई बार बोला कि अब बोलते रहो मरा 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 मरा। तो इस तरीके से पहले शब्द मरा का और दूसरे शब्द मरा का मतलब गठबंधन होता है और राम उनका उच्चारण अपने आप होने लगता है। तो देखिए जाने अनजाने जो हरि का नाम लिया कैसे उनके सारे पाप खत्म हो गए और वो हरि का नाम ले पाए। तो ये एक बहुत बड़ी एक अलौकिक महिमा है कि किस तरीके से राम का नाम लेने से हमारे सारे पाप खत्म हुए और फिर बाद में जो व्याध थे उनका उनकी मृत्यु होती है, वो अगले जन्म में वाल्मीकि ऋषि बनते हैं और वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं। एक बार की बात है, हमारे श्रील प्रभुपाद को एक भारतीय रिपोर्टर ने कोई एक प्रश्न पूछा। तो देखिए कई रिपोर्टर प्रभुपाद जी से पूछे हैं प्रश्न, लेकिन यहाँ पे हमारे एक भारतीय है वो पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आपने कोई जादू किया है क्या। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि भारतीयों जो भारत के रहने वाले हैं उनका जादू का क्या अनुभव है। उनका कहना है कि जादू मतलब कुछ तो सामने कुछ ऐसा मतलब टोपी में से चीजें निकालना, किसी का मन पढ़ना, किसी के ऊपर काला जादू करना, किसी के पूर्व जन्म या भविष्य के बातें बताना, अचानक से किसी को एक दवा दे देने का या कुछ तो क्रिया करने का जिससे उसकी बहुत बुरी जो बीमारी थी वो खत्म हो जाए। तो ये हमारे जो भारत के लोग हैं उनकी एक ऐसी एक अनुभव है कि यही होता है जादू। तो इसी कारण जो हमारे रिपोर्टर थे वो प्रभुपाद जी से पूछते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि ये देखो इधर अगल बगल में मेरे जितने भी ये शिष्य हैं, ये लोग पहले सब बुरी चीज़ों में लगे थे, पाप कर्म कर रहे थे, लेकिन मैंने इनको हरिनाम दे के, इनको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ के इनका पूरा जो पूरा जीवन है वो बदल गया है। तो यही मेरा जादू है कि हम जब कृष्ण को किसी को देते हैं तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। जो ये पूर्व जो भौतिक जादू है, किसी का मन पढ़ना, किसी के बारे में कुछ कहना, पूर्व जन्म भविष्य के बारे में बताना, ये सब इस जन्म से तक ही रह जाएगा। इससे उस प्राणी के अंदर में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जब हम उसे किसी किसी भी मनुष्य को जब हम भगवान श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है।
अभी यहाँ देखिए प्रभुपाद हमारे बैठे हैं अमेरिका में, और अगल बगल में आप देख रहे हैं कैसे कैसे लोग हैं, उनके रहने पहनावे देखने के हर एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो लोग किस तरीके से भौतिकवादी थे, किस तरीके के भौतिकवादी थे। लेकिन सिर्फ हरिनाम की वजह से अभी देखिए ये लोग एक शुद्ध वैष्णव हैं, ये ऐसे वैष्णव हैं, पारस मणि के हैं, ये ऐसे वैष्णव हैं जो दूसरों को वैष्णव बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हरिनाम का जो जो असर है वो कैसे भगवान के भक्तों के जीवन में, मनुष्य के जीवन में एक बदलाव लेके आता है। तो इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद ने सर्वोच्च माध्यम बताया है कि हम कैसे श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है हरि का नाम। तो श्री चैतन्य चरितामृत में हमारे जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हैं उनकी कथा आती है। वो जन्म से ऐसा कहा जाता है कि वो मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी उनको हरे कृष्णा महामंत्र के प्रति बहुत ही रुचि थी और हरि का नाम हमेशा जपते थे। दिन भर में 192 माला करते थे और हमेशा भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थे। तो एक बार की बात है कि उनके जो अगल बगल सा स्मार्त ब्राह्मणा थे और जो वहाँ उस समय के जो मुसलमान लोग थे, वो लोग हरिदास ठाकुर से चिढ़ जाते हैं कि भाई ये कैसा, ये तो एक तरीके से स्मार्ट ब्राह्मण कहते हैं, ये तो हमारा बिजनेस, हमारा धंधा बंद कर रहा है, अभी कोई हमारे पास यज्ञ अनुष्ठान कराने नहीं आएगा, सब लोग हरि नाम लेंगे। और वहीं मुसलमान लोग का कहना था कि ये मुसलमान होके कैसे हरे कृष्णा जप कर रहा है, ये तो सारे मुसलमानों को एक अलग ही बता रहा है कि हमको हरि का नाम जपना चाहिए। तो सभी लोग उनसे क्रोधित थे और वो चाहते थे कि किसी तरीके से ये हरि नाम लेना बंद करे। तो वो लोग मिलके एक षड्यंत्र रचते हैं और कोशिश करते हैं कि हरिदास ठाकुर को कुछ प्रलोभन दें। तो प्रलोभन में उन्होंने एक एक वैश्या को बोला, तुम जाओ और हरिदास ठाकुर को आकर्षित करो, जब वो तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएगा तो हम लोग पीछे से आके पकड़ लेंगे उसको, रंगे हाथों पकड़ के उसका हम सबको बताएंगे कि ये सिर्फ ढोंग करता है, ऐसा बताया जाएगा। तो ये वेश्या जाती हैं और हरिदास ठाकुर के पास जाके उनको आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। तो हरिदास ठाकुर नम्रता से बोलते हैं, रुको, थोड़ा रुको, मेरा ना हरे कृष्णा महामंत्र का जाप थोड़ा रह गया है, मैं पहले वो कर लेता हूँ फिर तुम्हें संतुष्ट करूँगा। तो इस तरीके से वो वेश्या माता जी मान जाती हैं और बैठ जाती हैं। तो ऐसा करते करते सुबह हो जाती है, फिर दूसरा दिन आ जा दूसरी रात आ जाती, तीसरी रात आ जाती है। तो क्योंकि वो वैश्या माता जी ने शुद्ध हरिनाम शुद्ध भक्त के मुख द्वारा सुना था, तो उनके हृदय में परिवर्तन हो जाता है। वो तीसरी रात की सुबह उनके चरणों में गिरती हैं, बोलती हैं कि माफ कीजिएगा, मेरा हेतु अलग था, मैं आपका बहिष्कार करने आई थी, आपको बदनाम करने के लिए आई थी, लेकिन आपके शुद्ध नाम की वजह से मेरी चेतना बदल गई है, मुझे अब अपना शिष्य समझिए, मैं अब हरि नाम करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से हरिदास ठाकुर जी उनको हरि नाम दीक्षा देते हैं और वो माता जी भगवान श्री कृष्ण हरि नाम लेने मतलब हरि का नाम लेना शुरू करती हैं। तो इस कथा में देखते हैं कि हरि का नाम लेने से कैसे बड़े बड़े जो प्रलोभन आते हैं उसके प्रति हमें ना बोलने की शक्ति मिलती है। ऐसा ही एक और ऋषि थे जिनका नाम विश्वामित्र मुनि, वो भी भगवान के लिए भगवान के प्रति अग्रसर थे। तो उनका उनका जो प्रयास था उसका अलग ही तरीका था, वो तपस्या और काफी कुछ इसमें विश्वास रखते थे, वो हरि के नाम में उतना उनका विश्वास नहीं था। तो इस तरीके से वो तपस्या कर रहे थे, फिर एक बार मेनका हमारे जो इंद्रदेव हैं उनको थोड़ा उनके प्रति ईर्ष्या हो गई, उन्होंने मेनका को भेजा, मेनका गई और सिर्फ मेनका के पाँव के घुंघरू की आवाज से विश्वामित्र जी का मन मन विचलित हो गया। तो हम देखते हैं कि हरि का नाम कितना हमें हरिदास ठाकुर जी हमें सिखा रहे हैं कि ये हरि का नाम हम अगर हमेशा लेते रहेंगे, सदा हरि का नाम लेंगे, तो हमें ये प्रलोभन को ना बोलने की शक्ति मिलेगी। और वो हमें सिखा भी रहे हैं कैसे हरि का नाम लेते वक्त जब प्रलोभन आए तो बोले प्रलोभन को कि भाई थोड़ा रुको, मेरा अभी जब बाकी है, तो मेरी सेवा बाकी है, तो मेरा अध्ययन बाकी है। तो
इस तरीके से हम जब उसको प्रलोभन को ना बोलेंगे तो हम धीरे धीरे उस पे भगवान की कृपा से विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरीके से श्री हरिदास थूक जी की एक और लीला है जिसमें अब वो अपने शरीर को त्यागने वाले हैं। तो ये ऐसा है समय कि सभी भक्त आए हैं उनसे मिलने, वो काफी बूढ़े हो गए, अभी उनसे जप नहीं हो पाया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बार बार कह रहे हैं कि तुमने अपने जीवन से, अपने कर्मों से सबको सिखा दिया है, इसीलिए तुम नामाचार्य हो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमें कैसा आकर्षण होना चाहिए, ये सब तुमने सिखाया। अब तुम बहुत बूढ़े हो गए, थोड़ा हरि नाम कम कर सकते हो, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन श्री हरिदास ठाकुर जी, नहीं, मुझे करना है, इस तरीके से वो कह रहे हैं। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु बहुत ही तेजी से आते हैं, उनको क्योंकि हरिदास ठाकुर जी के प्रति उनको प्रेम है, उनकी चिंता है, तो वो एकदम आते हैं उनके पास और पूछते हैं कि क्या समाचार है हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा, अभी आपकी कृपा के ऊपर सब है। तो इस तरीके से उन्होंने कह दिया कि अब मैं ये अपना शरीर त्यागने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। तो उसी वक्त हमारे जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो सभी को बोलते हैं कि अभी हम संकीर्तन करेंगे। और उस वक्त उन्होंने जो कीर्तन शुरू किया, ऐसा कीर्तन हुआ कि सभी लोग उसमें भाव विभोर थे। और ऐसी स्थिति में श्री हरिदास ठाकुर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सामने समक्ष बैठ के और उनके आंखों से आंखों मिला के उनके चरणों को देखते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ श्री हरिदास ठाकुर की जी के जीवन से सिखाते हैं कि उनके कर्म, उनके जन्म, उनके कर्मों से उनके जो भक्तिमय जीवन गया उससे सब सिखा रहे हैं। और अभी जब शरीर भी त्याग रहे हैं कि हरिनाम की क्या महिमा है। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तब झारखंड फॉरेस्ट, जो आज का झारखंड है, उस जगह से होते हुए जाते हैं। तो वहाँ उनको रास्ते में वो कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं, उनके साथ उनका एक सेवक है। तो ऐसे करते करते एक घने जंगल में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको कई शेर, चीते, हिरन मिलते हैं, कई सारे उनको जानवर मिलते हैं। और वो लोग सब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरि नाम कर रहे हैं। तो ऐसा देखिए आप यहाँ पे जो ये पिक्चर है उसमें देखेंगे कि एक जगह शेर और जो हिरन है वो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, और दूसरी जगह देखिएगा कि शेर और जो हिरन है एक दूसरे को चुंबन दे रहे हैं। तो ये हरि नाम का असर है। वो लोग अपने जो इस भौतिक शरीर और भौतिक जो गुण हैं उससे परे हो गए हैं। वो भौतिक गुण उनको मजबूर करता है कि शेर उस हिरन को खाएगा और हिरन डर के मारे उसे भागेगा। लेकिन ये जो हरि नाम जो हमारे स्वरूप है उसमें हमें लेके आता है, और दोनों ने एक दूसरे की एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण का अंश समझा है और अपनी मित्रता, मैत्री को दिखाया है। तो इस तरीके से ये जो लीला है ये बहुत ही हमें शिक्षा देती है कि हरि नाम की वजह से हमारे बीच में जो भी कला है, जिस भी रूप से, जिस भी स्तर से, वो सारे कला खत्म हो जाएंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो कह रहे थे एक लेक्चर में कि उन्होंने देखा है कि जब हरिनाम संकीर्तन होता है, जब सब लोग डांसिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई भी कुछ जितने भी भक्त हैं, अगर उनमें कुछ भक्तों में आपस में मन मुटाव होता है जो बहुत ही टेम्पररी है, एकदम मतलब थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन वो मन मुटाव खत्म हो जाता है, दोनों हाथ में हाथ मिला के वो अपने पूरे मतलब उत्साह से कीर्तन में डांस करते हैं, गाते हैं महामंत्र, सब करते हैं, और जैसे ही ये कीर्तन समाप्त होता है तो फिर से वो मन मुटाव कैसे तो शुरू हो जाता है। तो इसलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि इसलिए हमें कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए, ताकि ये जो गुण है उसका प्रभाव हमसे खत्म, हम पर से उठ जाएगा और हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। तो कोई कहे कि भाई चैतन्य महाप्रभु के समय ऐसा हुआ कि भाई शेर चीते सब लोग गले मिल रहे हैं, आज के समय में हरि नाम का कुछ कैसा है, क्या है, तो अभी देखिए भक्तों के बीच में दिख रहा है। लेकिन एक एक और है एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये है विश्व अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस विश्व
मैं हिंदी भूल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरे विश्व का देश आते हैं, आपस में चुनाव करते हैं और कोई तो बिल पास होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये शुरू हुआ था 1946 में, तब इसमें 74 देश थे। 1950 में 79 हो गए और आज की डेट में 2020 में 193 देश हैं। तो देखिए, पृथ्वी वही है जिसपे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें तो कुछ विस्तार नहीं हुआ। ये कंट्रीज का विस्तार कैसे हुआ? क्योंकि एक बड़े जगत है, उसके भी उनके बीच में लोगों के बीच में कलह हुआ, उनके बीच में झगड़ा हुआ, तो उन्होंने अपनी सीमाएं बना ली और एक दूसरे से अलग हो गए। इस तरीके से आज की तारीख में 193 देश हैं। यानी प्रेम नहीं है, आपस में झगड़ा चल रहा है। भले ये विश्व संगठन रहे, सब कुछ है, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है। क्योंकि उनकी जो आपस में मिलाने की जो उनकी पद्धति है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं है। उसमें भौतिक भौतिक प्रिंसिपल्स, भौतिक सिद्धांतों का एक तरीके से मिश्रण है। तो इसकी वजह से सब अलग अलग होते जा रहे हैं, विभाजन होता जा रहा है। तो इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने एक बहुत ही अनूठा कार्य करके दिखाया है। 2015 13 अगस्त को ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी 13 अगस्त 1965 को जलदूत से निकले थे। तो 2015 में प्रभुपाद को निकले हुए 50 साल हो गए। तो उस पे ये कलकत्ता में, यहाँ जो नदी दिख रही है गंगा नदी है, गंगा नदी के तट पे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक फंक्शन रखा गया। तो उसमें उस दिन 106 देश आए थे। यहाँ आपको दिखेगा ये सब कितने सारे झंडे दिख रहे हैं। ये झंडे लगाने का यही अर्थ था कि हमको बताना था कि ये सारे इतनी सारे देशों में इस्कॉन की गतिविधियां हैं, इस्कॉन के भक्त हैं और इस्कॉन के मंदिर हैं, और ये सब लोग मिल के आज प्रभुपाद का 50वां सालगिरह, गोल्डन जुबली मना रहे हैं। प्रभुपाद का एक तरीके से विश्व अमेरिका जाने की तरफ था। तो ये जब देखा गया, जब इसके बारे में पता चला, तो इस उत्सव को 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिले। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मतलब जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज हुई इस पृथ्वी पे एकदम अभूतपूर्व, अलौकिक हुई, जो कहीं नहीं देखने को मिली, उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इस तारीख को ऐसा कुछ हुआ था। तो यहाँ इस्कॉन ने करके दिखाया है कि हम सब लोग अपने अपने स्तर से अपनी अपनी जगह हरिनाम ले रहे हैं और हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि हरिनाम कैसे हमें जोड़ता है, हमें विभाजन नहीं करता है। अब जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो एक रास्ते में उनको एक सोता हुआ बाघ मिला। तो ये बाघ सोया हुआ था। तो अगर मान लीजिए हम लोग कहीं जंगल में जा रहे हो और हमें ये बाघ दिख जाए और वो सोया है, तो हम लोग एकदम रुक जाते हैं, डर जाते हैं और कोशिश कर सोचते हैं कि ये शेर सोया रहे और दबे पांव पीछे या कहीं तो हम छुप जाने की प्रयास करेंगे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो जाते हैं और इस बाघ को उठाते हैं और बोलते हैं, लो हरि का नाम। और शेर, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श उसे होता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, वो अपने स्वरूप में आके वो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू करता है। वो दोनों पैरों पे खड़े होके भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है। इसी तरीके से एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु एक नदी किनारे बैठे थे और अपना हरिना गायत्री कर रहे थे। तो उसी समय ये एक हाथियों पागल हाथियों का झुंड आ जाता है। पागल हाथी को ऐसा कहा जाता है कि शेर बाघ तो हमें खा जाएंगे, एक ही आदमी को खाते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं, लेकिन ये जो पागल हाथियों का झुंड है, ये तो पूरा 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 एक गांव, एक शहर नाश कर सकते हैं। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु के अगल बगल जब ये लोग थे, तो चैतन्य महाप्रभु की वजह से इनके ऊपर कुछ पानी की बौछार गिरी, और जैसे ही बौछार गिरी, इनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसका संचार होने लगा और ये सभी लोग भक्त बन गए और भगवान श्री कृष्ण का ये हरी नाम लेने लगे। और एक तरीके से ऐसा हुआ कि सारा का सारा जो झुंड था वो हरी नाम ले रहा है,
सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने इस जीवन इस लीला से ये सिखाते हैं कि चाहे कोई भी जीव हो, मनुष्य ही नहीं, जानवर पशु जो भी हो, उसकी जो जो मूल चेतना है, जो उसका जो ओरिजिनल चेतना है, वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनके उनके नाम को स्मरण करना है। ये चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला से हमें ये कह रहे हैं कि कृष्ण का महा मतलब हरे कृष्ण जप कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। उन्होंने हाथी के पास जाके ऐसा नहीं और हाथी कैसे हो या एक केला दे दिया या घास दे दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोले तुम भी एक जीव हो, भगवान श्री कृष्ण के अंश हो, तुम ये जो तुम्हारे कर्मों की वजह से ये शरीर मिला है, लेकिन तुम ये हरि नाम लो और इस जगत इस शरीर इस भौतिक जगत से एक छुटकारा प्राप्त करो। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय के 36वें श्लोक में नव योगेंद्र निमि महाराज को बता रहे हैं, कलिम सभा जयंत आर्य गुणज्ञ सार भागिना यत् संकीर्तन एव सर्व स्वार्थोभिलभ्यते। इसमें कहा गया है जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जो लोग ज्ञानी हैं वो कलयुग का असली महत्व समझेंगे। यानी जो लोग सही में समझ रहे हैं, कलयुग को हम लोग बहुत ही नकारते हैं, उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं, घोर कलयुग आ गया, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है मेरे में, ये कलयुग की वजह से हो रहा है। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो समझते हैं कि कलयुग का असली महत्व क्या है और कलयुग क्या, कलयुग में जो ये हरिनाम संकीर्तन है वो ही मेन चीज है, ये वो समझते हैं और इसलिए वो कलयुग की पूजा करते हैं। जो चीज़ सतयुग करने सतयुग में करोड़ मतलब लाखों वर्षों में मतलब हमें फल प्राप्त होता था, त्रेता युग में काफ़ी यज्ञ अनुष्ठान करके ध्यान करके और हमारे द्वापर में पूजा अर्चना करके जो प्राप्त होता है, वो सिर्फ इस कलयुग में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से, सिर्फ नाम लेने से हमारा ये सब कुछ संपन्न हो जाए। पहले के समय जो आज हम जो हरि का नाम लेने का जो रिजल्ट है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत थी, लेकिन अभी ये सबसे आसान है सिर्फ हमें श्री कृष्ण का नाम लेना है। इसीलिए कलि संतन उपनिषद कहता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ऐसा बताया जाता है कि जो ये वेद पुराण है हमारे व्यासदेव जी ने लिखा है और वो ये अपौरुष है, ये कोई साधारण मनुष्य ने नहीं लिखा है। तो जब ये ऐसे लोग लिखते हैं तो जब वो कोई चीज को दो तीन बार बोल रहे हैं, यहाँ देखिए हरि नाम हरि नाम हरि नाम इसको तीन बार बोला है, नास्तेव 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 तीन बार बताया गया, तो यानी इसमें एक बहुत बड़ा बल है, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तभी इसी को तीन बार बताया गया, एक बार नहीं बताया गया तीन बार बताया। जनरली हमारे शास्त्रों में श्लोक के एज इट इज श्लोक मतलब एक जैसे श्लोक बहुत ही कम रिपीट होते हैं क्योंकि हर एक का अर्थ अलग अलग है, लेकिन उसमें जब रिपीट करते हैं तो उसकी महत्व समझ में आती है। तो कलयुग में केवल हरिनाम और हरिनाम से ही उद्धार हो सकता है, हरिनाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है नहीं है। तो ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं कि कैसे द ओनली वे को जो एक ही तरीका है वो है हरि का नाम। फिर ये एक श्लोक है जो विदग्ध माधव में हमारे रूप गोस्वामी जी लिखते हैं। तो ये श्लोक की पीछे की ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर जी सार्वभौम भट्टाचार्य जी हरिदास ठाकुर जी ये लोग एक बार रूप गोस्वामी जी से मिलने आए। तो रूप गोस्वामी जी थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, फिर तब तक चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ उनके पेड़ के तने में ये श्लोक ऐसे लगा के रखा था, उसको पढ़ते हैं और ये पढ़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उनका हृदय गदगद हो जाता है और वो बहुत खुश होके ये श्लोक दूसरों को भी दिखाते हैं। फिर बाद में तब तक रूप गोस्वामी जी वापस आते हैं और उनसे इसको बोलने को कहा जाता है। तो
ऐसा है कि ये श्लोक से कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कदम्बिनी घटयते कर्णाबुधेभ्य स्पृहां चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता क्रियाप्थ स्मृते कृष्णेति वर्णद्वी। अर्थात मैं नहीं जानता हूँ कि कृष्ण के दो अक्षरों में कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेक अनेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कर्णों के कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि अगर हमने अपराध रहित कृष्ण का नाम स्मरण किया तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो ये जब हम कृष्ण का जब नाम पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे तो ये हमारे हृदय में प्रविष्ट करेगा, और प्रविष्ट करने के बाद हमारे जो मुख है उसको लगेगा कि अनेक अनेक मुख होने, हजारों करोड़ों मुख होने चाहिए, मुझे एक मुख से इतना आनंद आ रहा है, तो अगर मेरे पास हजारों करोड़ों मुख होते तो मुझे कितना आनंद होता। तो इसलिए ऐसी इच्छा उनमें व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे करोड़ों मुख चाहिए ताकि मैं हरि नाम ले सकूं। फिर जब हमने जैसे ये उन्होंने हरि नाम लिया तो वो हरि नाम हमारे कानों में जाए, तो जब कानों में प्रवेश करता है तो जो आनंद की अनुभूति होती है, तो ऐसा मन कहता है कि ऐसे हमारे पास करोड़ों अरबों कान होने चाहिए, एक दो कानों से सुनने में हमें इतना आनंद आया, तो अगर मेरे पास करोड़ों अरबों आनंद कान होते तो मुझे कितना आनंद होता। फिर जब ये कानों से अंदर जाता है और उसके बाद से वहाँ हमारे हृदय के आंगन में नृत्य करता है, तो ये जब नृत्य होता है तो हमारे जो मन की गतिविधियां हैं, जो हमारा मन इधर उधर प्रलोभन के प्रति भागता है, वो सब जड़ हो जाती है, जो सब एक तरीके से उसके प्रति का मतलब इनएक्टिव हो जाती है, उसके प्रति कुछ ध्यान नहीं देती हैं। तो ये हमारे रूप गोस्वामी जी का कहना है। तो इस तरीके से ये श्री कृष्ण के नाम जब अपराध रहित लें तो ऐसा हमारा एक्सपीरियंस होगा। फिर हमारे चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में चौथे अध्याय के 70वें श्लोक में ऐसा कहा गया है, भजने रमध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। भजन के जो जो तरीके हैं, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ विधा भक्ति बताई गई कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए ये नौ विधियां हैं, और ये हमें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात आकार कराएंगी, इसमें पूरी शक्ति है। भक्ति संपन्न करने की विधियों में नौ स्तंस्तः विधियां सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन विधियों में कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। इनमें पूरा एकदम पावर है, एकदम शक्ति है। फिर इसके बाद का एक और बहुत ही एक श्लोक आता है जो हरिनाम के महानता बताता है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। तार मध्य ये जो नौ विधि है इसमें इनके बीच में सर्वश्रेष्ठ कौन है, नाम संकीर्तन। अगर इसमें हमने निरपराध नाम लिया तो हमको क्या मिलेगा, प्रेम धन, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिलेगा। भक्ति की नौ विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई इस 10 प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग रोज सुबह भगवान के 10 अपराध नाम अपराध का हम वाचन करते हैं, और हम तो कोशिश करते हैं कि ये 10 अपराध हमसे कम से कम हो, इसको खत्म करने की भी कोशिश करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं,
नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममपि दुर्दैव मिदृशम यहा जिनी नानुराग। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय नहीं, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन नहीं। ये मैंने अपने इन सब नामों में एक प्रॉब्लम है, दुर्दैव मिदृशम यहा जिनी नानुराग, लेकिन मैं ही ऐसा अभागा हूँ, मैं ही ऐसा एक अभागा हूँ कि मुझे कृष्ण का नाम लेने में कोई रुचि नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, मुझे उसके प्रति कोई अनुराग नहीं, तो इस वजह से मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने में असमर्थ हूँ, जिस निरअपराध नाम लेने में असमर्थ हूँ। स्वामी महाराज हमें जप करने की एक प्रक्रिया बोलते हैं कि हमें नम्र होना चाहिए। यदि हम जब अपने आप को महान समझेंगे तो हम हरि का नाम की महानता अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को महान समझ रहे हैं। जिस तरीके से जितना हमारा हरि नाम के प्रति, हरि नाम की महानता के प्रति हमारा विश्वास श्रद्धा होगी, उस प्रकार से ये हरि नाम अपने रूप को प्राकट्य करेगा, अपनी गुण लीलाओं को प्राकट्य करेगा। हमारा प्रयत्न रहना चाहिए कि हम नम्र बने और फिर ये हरिनाम की महानता हमारे जीवन में प्रकट होगी। श्रील प्रभुपाद के जीवन से भी कुछ मैं शिक्षाएं लेता हूँ कि उनको हरिनाम पे कितना विश्वास था। ये प्रभुपाद जी अभी बॉस्टन हार्बर अमेरिका पहुँच गए तो वहाँ पे वो पूरा देखते हैं। जैसे अभी हम कभी बॉम्बे जाएं तो हम बॉम्बे में जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, स्टेडियम देखते हैं, तो समुद्र देखते, तो हमारे और कितना अच्छा है। हमारे प्रभुपाद जी जब वहाँ जाते हैं तो जो भी हो बॉम्बे से तो अच्छा ही है उधर ये सब भौतिक साम्राज्य, तो प्रभुपाद जाके वहाँ पे ये नहीं देखते, इतनी बड़ी बिल्डिंग इतना सब कुछ नहीं देखते। उनको तरस आता है कि ये लोग कितने भौतिकवादी बन रहे हैं, वो उन पे एक तरीके से कृपा बरसाना चाहते हैं कि ये लोग कैसे अपने जीवन, मनुष्य जीवन का जो मूल्य है समझ नहीं पा रहे। फिर वो प्रार्थना करते हैं, उन्होंने ये मार्कंडेय भागवत धर्म करके एक भजन लिखा है, उसमें वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने मुझे क्यों ऐसे भयंकर इतने ऐसी जटिल जगह पे क्यों भेजा है, जहाँ मैं आपको भूल जाऊँगा, ऐसी ऐसी जगह में आपने मुझे भेजा है, लेकिन जो भी हो आपका एक कोई एक एक पर्पस लगता है, आपका कोई एक मिशन लग रहा है मुझे, ऐसा आपने इसलिए मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन मुझे आपके हरि नाम पे मुझे पूरा विश्वास है और हरि नाम की वजह से मैं कुछ आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, कुछ सेवा कर पाऊंगा। तो यहाँ देखते हैं प्रभुपाद जब भी किसी को मिले तो उनको हरि नाम के प्रति अग्रसर किया, उनको हरि नाम के प्रति बोलने के लिए, हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, हरि नाम लेने के लिए उन्होंने उसको उनको प्रेरित किया। तो ये टॉमस्किन स्क्वायर पार्क के वहाँ प्रभुपाद खड़े हैं और वहाँ जो भी आए हैं, प्रभुपाद पहले अकेले ही बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जप करते थे। फिर थोड़े दिनों बाद कुछ लोग आए उनके पास खड़े हुए, समझ में आया कि ये स्वामी कुछ तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है हमें समझना पड़ेगा, लेकिन जो भी कर रहा है ये एकदम मतलब कोई इसमें छल नहीं, एकदम आराम अपने निस्वार्थ होके वो ये कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद से उन्होंने ये बात समझी, फिर प्रभुपाद ने भी उनको हरे कृष्णा महामंत्र ही दिया। वो लोग फिर धीरे धीरे हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर नृत्य करने लगे, उसको एकदम प्रेम से जपने लगे। और देखिए पहले वो लोग कैसे थे और बाद में वैष्णव बनने के आचरण, वैष्णव बनने की जो पद्धति है उसको उन्होंने स्वीकारना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है वो जो हिप्पीज थे उनमें बहुत सारे बुरी आदतें थी, बुरे कार्यों में लगे रहते थे, लेकिन जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया उन्होंने उनके वो सारे पाप करने की प्रवृत्ति, पाप करने की जो इच्छाएं थी वो सब खत्म हो गई। तो ये जो हमने शुरुआत में सुना था लेक्चर की, जाने अनजाने कोई भी भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ हमको देखने को मिलता है कैसे श्रील प्रभुपाद की वजह से इस हरे कृष्ण महामंत्र आंदोलन पूरे विश्व में फैला और सबका कल्याण हो रहा है। तो ये हरिनाम की महानता है जो आज की डेट में हमें देखने को मिलती है। अभी ये जो भी भक्त हैं वो आज की तारीख में इस्कॉन के बड़े बड़े मार्गदर्शक हैं, बड़े बड़े भक्त हैं।
तो ये हरिनाम की महानता है। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो जब हरे कृष्ण आंदोलन शुरू हो गया, प्रचार होने लगा, कहीं ना कहीं लोग उनके बारे में जानने लगे, तो सब लोग आते थे और उनके बारे में आर्टिकल लिखते थे। तो शुरू के आर्टिकल सब जो भी होते थे उसमें इस्कॉन की बहुत ही निंदा की जाती थी, और उसमें कई ऐसी चीज़ें अपशब्द लिखे जाते थे। तो जो प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वो लोग प्रभुपाद के पास ये लेके आते थे और प्रभुपाद सी इतना बुरा लिखा है इस्कॉन के बारे में, ऐसा बताते थे। तो प्रभुपाद वो आर्टिकल पढ़ते थे, तो पढ़ने में वो क्या लिखा है, बुरा लिखा है, वो नहीं पढ़ते, तो वो गिनती करते थे कि इस आर्टिकल में, इस लेख में कितनी बार कृष्ण का नाम आया। तो कभी किसी लेख में 2-3 बार ही कृष्ण का नाम आता था, तो प्रभुपाद कहते ये जो लेख है ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है। और जहाँ कहीं कोई लेख हो जिसमें 20-25 बहुत बार लिखा हो भगवान श्री कृष्ण का नाम, तो बोलते ये लेख अच्छा है। भले उस लेख का मर्म है कृष्ण इस्कॉन की निंदा करना, लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि नहीं, ये बहुत अच्छा लेख है। क्योंकि जाने अनजाने कोई भी हो, वो जब ये भगवान श्री कृष्ण का नाम बोलेगा, स्मरण करेगा, तो शुद्ध हो जाएगा और उसका आध्यात्मिक जीवन चालू हो जाएगा। तो ये इस चीज की अनजाने जाने अनजाने की महानता यहाँ हम जो अजामिल के लीला है उसमें भी हमको पता चलता है। विष्णु दूत और यमदूत, उनके बीच में एक संवाद होता है, फिर यमदूत और यमराज जी के में एक बीच में एक संवाद होता है। तो उसमें एक श्लोक आता है, सांकेत्यम वा पारिहास्यम वा स्तोधम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदुः। जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। तो कोई भी कीर्तन को, मतलब परिहास में, जैसे अभी भी होता है कि जब भी कोई हरे कृष्ण भक्त कॉलेज में या ऐसे कहीं ऐसी जगह में जाता है जहाँ भौतिकवादी लोग ज्यादा हैं, तो वो परिहास करते हैं, अरे ये आ गया हरे कृष्णा वाला, आ गया ये टकला आ गया, इस तरीके से बोलते हैं। और बोलते बोलते ये हरे कृष्णा वाला है, या फिर कुछ ऐसे टोन में हरे कृष्णा बोलेंगे, हरी बोल, ऐसा कुछ तो ऐसा बोलेंगे जिससे वो बताएं कि हमें, हम आपका परिहास कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ये जो हमारे ये श्लोक है, इसके इसके अनुसार उन लोग की जो धारण हो रहा है, उन लोग को इसका बेनिफिट मिल रहा है, इसका पुण्य मिल रहा है। तो भक्त लोग ये समझते हुए इसलिए कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते, वो इसमें और उनको प्रेम से हरे कृष्णा बोलते हैं, उनसे कुछ ऐसा तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, नहीं, वो समझ रहे इसकी वजह से उसके जो है जीवन वो अब सुधर जाएगा, भगवान श्री कृष्ण अब जुड़ गया है। संगीतमय मनोरंजन, हम देखते हैं बॉलीवुड के कई गानों में हमें हरे कृष्ण हरे राम ऐसे आ जाता है। तो जो भी हो, हमें लगेगा कि ये देखिए एक तरीके से बुरा दिखा रहे हैं, ऐसा क्या है। लेकिन जब 1970 में हमारे एक बहुत ही ये बॉलीवुड के एक बड़े फेमस एक्टर हैं देवानंद जी, उन्होंने एक मूवी निकाली थी, तो प्रभुपाद जी के कुछ भक्त गए थिएटर में, देखा मूवी, और उसके बाद से गए प्रभुपाद को बताए, प्रभुपाद शुरू में आपको दिखाया, फिर कीर्तन करते हुए भक्तों को भी दिखाया, लेकिन बाद में तो पूरा सब गलत दिखाया है कि ये लोग सब जो हरे कृष्णा वाले हैं वो लोग नशा करते हैं और भगवान का नाम भी लेते हैं, ऐसा करके दिखाया गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिल फॉरगेट दम मारो दम, बट दिल रिमेम्बर हरे कृष्णा राम, हरे हरे राम। सो प्रभुपाद का ऐसा विश्वास था कि ये हरि नाम ये सब चीजों को भुलवा देगा, और आज की डेट में हम सब लोग भूल गए, लेकिन हमें हरे कृष्ण हरे राम याद है। तो जो भी हो, इसकी वजह से कई लोग इसमें भक्त बने, कैसे भी बने, जो भी है उनकी स्टोरी एक अलग है, वो हरिनाम की महानता हमें बताएगी। तो ये शास्त्रों कहना है कि कैसे भी हम लें, हरि का नाम हमें बेनिफिट ही। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तन अघम पुंसो देह देहो यथा नलः। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम
चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देती है। तो ये है कि हमने देखा है, हम लोग कई बार आग लगाते हैं, तो आग लगाने के बाद वो जो घास या जो पेड़ था वो पूरा जल के राख हो जाता है। तो यहाँ पे इस उदाहरण से बताते हैं कि हमको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि भगवान नाम हम अभी उच्चारण करेंगे तो हमारे जितने भी पाप कर्म है उनका रूप से सब कुछ खत्म हो जाए, तो ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से एक रूम है, उस रूम में आग लग जाए, तो इस रूम में आग लग चुकी है, आप देख रहे हैं सोफा सेट्स, लकड़ी के कई साफी चीजें हैं, वो सारी चीजें जल के राख हो जाएंगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ हरि नाम को हमारे हृदय में अंदर आने के लिए जगह देनी है, बस वो जैसे ही भगवान ये हरि नाम हमारे हृदय में अंतःकरण में आएगा, हमारे जितने भी पाप, जो भी जो कलह या पाप करने की जो प्रवृत्ति है, सबका नाश कर देगा। तो इस तरीके से हमारे सारे पापों कर्मों का नाश हो जाएगा। भगवान आगे एक और कहते हैं, श्रीमद् भागवत में श्लोक है, एतावनेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्मः परस्मृतः भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहण आदि भी। भगवान के नाम कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो देखिए, ये हम जो भगवान का नाम कीर्तन लेना, हम लोग भी जैसे जैसे इस्कॉन के टच में आए, इस्कॉन के कनेक्शन में आए, तो हमने भी शुरू एक माला से की। तो भगवान पहले हम लोग जब कीर्तन होता था उसमें थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुना लेते थे, फिर धीरे धीरे हमने एक माला, दो माला, 16 माला, कई भक्त लोग अभी को का बहुत ज़्यादा माला भी कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये भगवान का जो नाम कीर्तन है ये परम धार्मिक सिद्धांत है। अभी एक हमारे भक्त बता रहे थे कि ये ऐसा है हरि नाम, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, 10 साल बाद भी इस हम लोग हरि नाम ही लेने वाले हैं, 25 साल हो जाएंगे तो भी हम हरि नाम ही लेने हैं, भले हमारी सेवा बदल जाए, हमारे मतलब आश्रम का रूप बदल जाए, हमारी कई सारी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन जो ये भगवान का नाम लेना, 16 माला करना, वो नहीं बदलेगा। तो ये एक ऐसा है कि ऐसा सिद्धांत है जो हमारे मानव समाज में जीव को परम गति प्राप्त कराने का एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में आगे जब हमारे यमराज के पास ये यमदूत जाते हैं और विचारते हैं कि भाई आपके ऊपर भी कोई है क्या, काफी काफी संवाद होता है, तो अब हम किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, एक तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल, एक डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट के बीच की लड़ाई है, हाँ ये हमको ऐसा बोल रहे हैं हम इनको नहीं ले सकते, और मतलब इस तरीके से लड़ाई चल रही है। तो यमराज जी कहते हैं किसके पास जाने का, तो प्रभुपाद के एक परपट में बड़ा ही अच्छे से उन्होंने लिखा है कि यमदूतों के दुश्मन, ध्यान दीजिए, यमदूतों के दुश्मन कौन है, यमदूतों के दुश्मन भक्त हैं, यमदूत कभी भी भक्तों के पास नहीं जाएंगे। तो अब भक्त कौन है, तो उसका भी बहुत बड़ी व्याख्या है, उसमें एक ये श्लोक आता है, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरेकदापि तान् आनयध्वम् असतो अकृत विष्णु कृत्यान्। अर्थात, हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते, मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लेके आना। तो यहाँ देखिए, अभी साधारणतः एक मनुष्य 70 साल 80 साल जीता है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं,
उन भूनी पापी पुरुषों को मेरे पास लेके आना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती। यानी 70-80 साल एक बहुत बड़ा समय है इस जगत के हिसाब से, उसमें एक बार भी कृष्ण का नाम, उनके बारे में सुनना, उनके मंदिर के सामने जाते हुए नतमस्तक होना, कहीं भी कृष्ण का कोई भी कनेक्शन नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो वो समझ रहे हैं कितनी, एक तरीके से सोचने में बहुत ही हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन है ऐसा आदमी जो कृष्ण का नाम नहीं सुन। भारत में तो एक भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं ना कहीं कृष्ण की फोटो है, कहीं ना कहीं एक दुकान का कृष्ण का नाम लिखा होगा, कहीं कहीं एक रास्ते पे कृष्ण का नाम, उस मार्ग का जो नाम है वो कृष्ण का नाम होगा। तो हम समझते हैं कि भारत में तो कोई नहीं, विश्व में भी प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन है, हर जगह हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से प्रसाद का वितरण हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से कृष्ण के संपर्क में आएगा। उसमें भी हमारे जो भक्त हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। कहीं भी रोड पे कोना मिल जाएगा, कहीं भी बैठ जाएंगे, अपना कीर्तन करना शुरू कर देंगे, किसी से भी मिलेंगे तो हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप, कौन हैं आप, इस तरीके से ऐसे कुछ ना कुछ हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं कहीं तो किस तरीके से सुन लेगा। तो इतनी जो हरे हरे कृष्णा महामंत्र है उसको बोलने की, समझने की इतनी हमारी जो ये चांसेस हैं, जितने तरीके से हम भगवान के टच में आ सकते हैं वो इतनी ज्यादा है। तो हमारे जो यमराज हैं कह रहे हैं कि इन लोगों को कभी मत लेके आना, ऐसे लोग जो कभी भी नहीं सुने, कभी भी नहीं भगवान श्री कृष्ण के टच में आए। एक में प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद जी अबॉर्शन पे बोल रहे थे कि अबॉर्शन की वजह से वो जो आत्मा है वो सूर्य नहीं देख पाता, वो इस जगत में नहीं आ पाता। अगर वो इस जगत में आएगा तो प्रभुपाद का एक कहने का तात्पर्य था कि इतना कृष्ण के बारे में सुनने की, समझने की, कृष्ण प्रसाद मिलने की जो जो चांस है वो उसको कभी मिलेगा नहीं। तो प्रभुपाद एक तरीके से भावुक हो जाते कि वो आत्मा को कभी मौका नहीं मिलेगा कृष्ण नाम सुनने का, वो आत्मा को कभी मौका नहीं मिलेगा कृष्ण के टच में आने का। तो प्रभुपाद जी का इतना विश्वास था कि कैसे भी किसी भी तरीके से कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे, कहीं तो कृष्ण हरे कृष्णा कीर्तन। तो एक तरीके से मैं समझता हूँ प्रभुपाद जी ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है पूरे विश्व में कि कहीं भी किसी भी समय कहीं ना कहीं तो भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण तो हो ही रहा है। तो प्रभुपाद एक बार ऐसा भी कहना चाहते थे कि, मतलब ऐसा मैं समझता हूँ कि प्रभुपाद कह रहे थे कि ऐसा अरेंजमेंट कर दिया भाई, उसको आने तो बाहर, उसका वो कल्याण हो जाएगा, वो इस भौतिक, इस जो जन्म मृत्यु का जो चक्र भी उससे छूट जाएगा और वो उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये हरिनाम और कृष्ण की ऐसी महिमा है कि वो अपने हरिनाम में वो सारी शक्ति उन्होंने प्रदान की है कि सिर्फ सुनने मात्र से हम हमारा उद्धार हो सकता है। अभी ये कोरोना काल में देखिए, प्रसाद हमें मिले या ना मिले, सीनियर भक्तों का संग मिले या ना मिले, महान भक्तों का, हमारे जो जो समीप के हैं लोग, जो हमारे एकदम क्लोज लोग हैं, वो उनका संग मिले या ना मिले, श्रीमद् भागवतम का संग मिले या ना मिले। मैं ऐसा कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई पॉजिटिव हो गया और उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, हॉस्पिटल में अकेला है, उसको ये कोई प्रसाद नहीं दे रहा, उसको कोई शुद्ध भक्तों का संग नहीं, उसके अपने भी पास में नहीं, उसके पास कोई ग्रंथ नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे समय में सिर्फ एक ही चीज़ है जो वो एकदम आसानी से कर सकता है, चाहे जिस भी स्टेज तक वो गया हो, वो भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर सकता है। ऐसा हो भी सकता है कि उसकी जपमाला उसके साथ ना हो, उसको अंदर लेके जाने ना दिया हो, लेकिन वो मन में अपने मुख से श्री कृष्ण का नाम ले सकता है। तो श्री कृष्ण का नाम लेना कितना आसान बनाया भगवान श्री कृष्ण ने कि स्मरण सिर्फ खाली बोलने से हम भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आएंगे। आज का जो हमने श्लोक देखे वो सब यही बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम और भगवान साक्षात श्री कृष्ण अभिन्न है, वो एक ही है। तो ये मौका हमें अभी मिला है
इसके हिसाब से हम अगर करें, भगवान श्री कृष्ण का नाम लें तो बहुत अच्छा होगा। ये ऐसा हमारा जैसे सेवाएं बदल रही हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो हरि नाम के प्रति जो हमारा कनेक्शन है, हमारे नाम के प्रति जो हमारा एक लिंक है, वो कभी छूटने वाला नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितनी भी सेवाएं हैं उसके अलावा वो हमें छोड़नी नहीं है, लेकिन वो सेवाओं करते करते हरिनाम के प्रति हमें थोड़ा और सजग और मतलब तन्मयता के साथ और थोड़ा जागरूकता के साथ हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो इतना बोल के मैं विराम करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु हरी बोल। हरी बोल प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक अनाउंसमेंट था बाल गोपाल कमेटी का, समिति का। यस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सर्व भक्तांच्या चरणी। हरी बोल। हरे कृष्णा बोलिए। अमोल गौरांग प्रभूंनी खूप छान असं लेक्चर दिलं आणि नामाचं महात्म्य सगळ्यांना सांगितलं आणि गेली साडेसहा महिने ते डीटी सेवा अविरतपणे करतायत आणि सिंगल हँडेडली फक्त काही भक्तांच्या मदतीने ते करतायत, तर त्यांचं आपण धन्यवाद देऊया आणि तीन वेळा हरी बोल करूया। हरी बोल। हरी बोल। अमल गौरांग प्रभु जी, आपके लॉकडाउन के समय पे आपने जो सेवा की है जगन्नाथ कलश यात्रा के लिए, इसके बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे क्या आप? मुझे ये बहुत ही, मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मुझे ये सेवा मिल रही है। मैं सही में जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है कि मुझे ये मौका मिल रहा है ऐसा सेवा करने का। एक्चुअली जगन्नाथ जी मंदिर देखने में तो बहुत ही खाता है, सब कुछ, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा एरिया है, सब जगह में मैं अकेले ही घूमता हूँ, लेकिन जगन्नाथ जी की वजह से, उनकी सेवा की वजह से थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं कुछ है, कोई किसी मतलब बातचीत करने को या कुछ मैं कर रहा हूँ, एक ऐसा मुझे फीलिंग आता है। और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ युवराज हरी प्रभु के प्रति, क्योंकि वो हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या आपको चाहिए, किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। और नंदलाल प्रभु जी मुझे प्रेरणा देते हैं कि भाई है सेवा है, जगन्नाथ जी कुछ भी हो, जगन्नाथ जी की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, हमें ऐसा प्रयास करना है। जगन्नाथ जी की सेवा रुकेगी तो एक तरीके से हम कैसे कैसे सेवक हैं, ऐसी वो प्रेरणा देते हैं, तो इस तरीके से हमारा मतलब चल रहा है कि हाँ भाई जगन्नाथ जी की सेवा करनी है। जो भी है, जगन्नाथ जी की बहुत असीम कृपा है, मैं तो यही मानता हूँ। थैंक यू भाई। मार्च महीने से जगन्नाथ जी को आप शाम को सुला रहे हैं, सुबह उठा रहे हैं, मंगल आरती करा रहे हैं, दोपहर को ऑफरिंग करते हैं, शाम को ऑफरिंग करते हैं, आपके साथ में आपके टीम मेंबर्स भी हैं, लेकिन थोड़ा आगे चल के सबको साथ में लेके बारावती में जो ये लॉकडाउन की सिचुएशन है काफी ऊपर नीचे हुई, कभी लॉकडाउन था कब नहीं था, अभी फिर से इस बार लॉकडाउन है, तो बाहर मंदिर के एरिया के बाहर बहुत सारी सिचुएशन बदल गई, लेकिन मंदिर के अंदर की सिचुएशन बदली नहीं। अभी भी सारे भक्त जानकर बहुत खुश होंगे, रोज सुबह 5:30 बजे जगन्नाथ जी की मंगल आरती होती है, शायद हम जा नहीं पाते हैं वहां पे,
लेकिन अमल गौरांग प्रभु और उनके साथ में जो भी भक्त हैं वो बराबर सुबह जाते हैं, उनको उठाते हैं, उनकी मंगल आरती होती है, उनको कुछ भोग दिखाते हैं रोज सुबह सुबह। आज भी जगन्नाथ जी सुबह सुबह एक स्वीट खाते हैं, जब लॉकडाउन नहीं था तब भी स्वीट खाते थे उठते ही। भगवान है तो भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमारी सेवा में कमी आती है तो हमको बुरा लगता है, लेकिन हमारी सेवा में अगर कमी आएगी तो कौन सी बड़ी बात है। कभी एक हद दिन नहीं खा लिया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन भगवान के विषय में ऐसे नहीं कर सकते हम। भगवान को अगर हमने बुलाया है, मंदिर में रहने के लिए बुलाया है, तो भगवान का खाना पीना उठना बैठना सोना सब हमारी जिम्मेदारी है। तो अमल गौरांग प्रभु बहुत ही होनहार भक्त है और पिछले 6 महीनों से, मार्च महीने से लेके आज तक रोज भगवान की मंगल आरती कर रहे हैं, उनको भोग दिखा रहे हैं, उनके बर्तन मांझ रहे हैं, बेस में जो डिवोटीज रहते हैं उनको प्रचार भी करते हैं। क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कुछ नहीं। जगन्नाथ जी द्वारा शक्ति संचारित है उनके शरीर में, उनके मन में। प्रभु जी की कृपा है, प्रभु जी हमें इंस्पायर करते हैं। हमने आपको बोला कि आप दो शब्द बताइए, तो आप अब दो ही शब्द बताए। हम सोचे थोड़ा कुछ आप 4 शब्द बताएंगे। कुछ बताइए कि कैसे संघर्ष हुआ आपके जीवन में ये 6 महीनों में। आपके मन में कभी कोई संघर्षमय परिस्थिति आई क्या, और उस संघर्षमय परिस्थिति के दौरान आपने खुद को कैसे संभाला? क्या जगन्नाथ जी ने आपको कभी कोई विशेष कृपा दी? कुछ हमारे साथ भी बताइए। हम तो सेवा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने ईटिंग स्लीपिंग में बिजी है, लेकिन आप सेवा करें तो आप कुछ बताइए हमको, अपने साक्षात्कार बताइए कुछ। आपकी आपकी बहुत सेवा है प्रभु जी, आप सिर्फ बारामती ही नहीं देख रहे, बाकी बहुत जगह देख रहे हैं और कई सारे। आप आपके बारे में बताइए कि जगन्नाथ जी के लिए आपने क्या किया, कैसे किया, क्या संघर्ष आया? जगन्नाथ जी के लिए संघर्ष तो देखिए मेनली सुबह उठने का एक थोड़ा है कि 4 बजे हम उठते हैं तो कभी कभी रात को लेट हो जाता है, और क्योंकि फोन पे बात कर रहे हैं और फिर मतलब माता पिता हैं नहीं तो कोई भक्त हैं उनसे बात करते करते लेट होता ही है, तो थोड़ा सुबह उठने को थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा है कि उठने को हो जाता है, याद दिला देते हैं सुबह उठते ही, हाँ भाई उठना है जाना है हमें ऐसा सेवा करना है। फिर जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है कि जब भी कुछ चीज़ की कोरोना काल में ज़रूरत पड़ी या ऐसा कुछ मतलब अभी मैं कैसे आगे सेवा कर पाऊँगा, इसके लिए क्या मैनेजमेंट करना है, तो मतलब भगवान ने सब अरेंज कर दिया, कोई ना कहीं से कुछ मदद आ ही गई है, तो इस तरीके से हुआ। अभी मंदिर उदाहरण देंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जैसे सब्जी की, अभी अभी कहीं सब्जी लेने भी जाना है तो सब्जी वाला अपने आप आ जाता है और हमें दे देता है, और ऐसा नहीं कि रोज नए सब्जी वाले आ रहे हैं या कोई कोई भी आ गया उससे ले लिया, नहीं वही जो एक है जो प्रॉपर कोई शेतकरी है वही अपने खेतों से उगा के लेके आता है ऐसा। मतलब मैं इसके हिसाब से कह रहा हूँ कि कोरोना काल में कांटेक्ट कम हो, कम से कम हम लोगों से मिलें, तो उसके हिसाब से ऐसे जगन्नाथ जी बहुत मदद किए हैं। और गार्डन में सेवा करने को बहुत मिला मौका, फिर जगन्नाथ जी की मंगल आरती गाने, मैं तो सोच रहा था कि मैं मंगल आरती भूल जाऊंगा इतने दिनों में, लेकिन रोज गाने की वजह से मुझे याद है। मैं गुरु पूजा बोलता हूँ कि मैं भूल गया हूँ क्योंकि वो होती नहीं है, लेकिन मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ये सब चैतन्य शिक्षाष्टकम, ये सब प्रॉपर बोल रहा हूँ, याद है। और जब करते वक्त भगवान के सामने बैठने को मिलता है, जब करता हूँ अकेला हूँ तो तेजी से रोज रोज कुछ कुछ वेरिएशन करके अपने आप को जब कराने का मौका मिलता है, कभी तेज बोल के कभी धीरे बोल के, इस तरीके से चल रहा है हम। फिर श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का जो श्रीमद् भागवतम क्लास है, मैं भले 8:30 बजे ना सुनूं, लेकिन कुकिंग करते वक्त तो कभी कुकिंग के समय नहीं मौका मिला, इंटरनेट का दिक्कत हुआ या नहीं सुन पाया, तो जब हम ये ऑफरिंग कर रहे हैं दोपहर की तो उसमें
तो श्रीमद् भागवतम क्लास की वजह से बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और फिर बाद में ऐसे मैंने थोड़ा टाइम बनाया है कि इस समय ये सुनूंगा, इस समय ये क्लास सुनूंगा, ये भी इनका प्रवचन सुनूंगा, तो ये सब थोड़ा स्केड्यूल बनाने की वजह से थोड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है। हरिनाम लेने को मन करता है, कुछ सुनने के लिए इंटरेस्ट, मतलब समझे ना, हमारे में प्रोत्साहन मिलता है। और फिर बीच में मैंने नंदलाल प्रभु जी को नहीं बताया, लेकिन मैंने थोड़ा हारमोनियम सीखना शुरू किया। प्रभु जी का एक क्लास था, उसमें बोले कि अपना स्किल्स बढ़ाओ, अपने आप माइंड को एंगेज करो, तो वहां से मैंने सोचा कि भाई हाँ, हारमोनियम मेरे से 5 मिनट कीर्तन नहीं होता, मतलब मैं कीर्तन गाऊं तो 5 मिनट में थक जाता हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र हारमोनियम पे सीखेंगे, तो उसमें मैंने थोड़ा टाइम लगाया है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों में मैंने थोड़ा जैसे आके जैसे ही टाइम मिला थोड़ा हारमोनियम को देखना, समझना, कीज प्रैक्टिस करना, थोड़ा ऐसा किया है, ऐसा मैंने किया है अपने आप को। फिर थोड़ा हारमोनियम बजाते वक्त थोड़ा और आनंद हरे कृष्ण महामंत्र में आता है, थोड़ा इस तरीके से मैं चल रहा है। जगन्नाथ जी की कृपा है, सारी फैसिलिटी है, बस मैं ही अपने प्रयत्न में पीछे हट रहा हूँ, मैं ही अपने प्रयत्न में पीछे जा रहा हूँ, यही मुझे कहना है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन जो भी संघर्ष थे वो नहीं बताया, जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी केवल वही बताया। लेकिन हम जानते हैं संघर्ष तो आपके 6 महीना अकेले सेवा करना भगवान की कोई आसान बात नहीं है, खुद के ऊपर काफी नियम लगाने पड़ते हैं, काफी कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अकेले ही सेवक है। अगर आप बीमार पड़ गए तो कम से कम 4-5 लोग हैं, एक हाथ कोई बीमार पड़ गया तो बहुत कुछ हो गया उस एरिया में, लेकिन आपके साथ कभी कुछ हुआ नहीं। कृपा है, भगवान ने अपने सेवक को एकदम अच्छी तबीयत दी है। नहीं अभी प्रभु जी देखिए, मैं जो बना रहा हूँ अपने लिए बना रहा हूँ, अपने लिए मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं कि जगन्नाथ जी के लिए मुझे बनाना है, अंदर से ऐसे ही आता है कि भाई हाँ आज क्या खाओगे क्या पियोगे। अभी तक ऐसा है कि प्रचार नहीं हो रहा, स्टूडेंट लोग नहीं है, तो चलो ठीक है उनके लिए कुछ ऐसा मुझे प्रेयर, मतलब थोड़े दिनों से हो रहा है कि यूट्यूब पे मैं खाने पीने बनाने की वीडियोस देख रहा हूँ। अभी मुझे समोसे बनाने की एक सुर चढ़ा है, मैं आपको बोलता ना समय नहीं, लेकिन थोड़ा कि अभी हॉस्टल में सब लोग बी वाले पास आउट हो रहे हैं, टी वाले बीजी में चले गए, अभी हम कैसे बच्चों से अप्रोच करें, कहाँ किससे मिलेंगे, तो फिर वही अपना तरीका, जाओ प्रसाद लेके, कुछ प्रसाद हॉस्टल में मिलो तो कुछ उनके लिए अच्छा प्रसाद बनाने को आना चाहिए, तो हलवा भगवान की कृपा से रोज मिल ही रहा है बनाने को, लेकिन बारामती में सब महाराष्ट्रीय लोग तीखा पसंद करते हैं, ठीक है हम समोसा बनाते हैं। इस तरीके से थोड़ा कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो चल रहा है अपना ऐसा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने काफी कुछ बताया, अब हमको समझ में आ रहा है कि हम क्या क्या मिस कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बहुत, अभी इस बार जब आएंगे बारामती तो प्रोग्राम में कीर्तन करेंगे तो आपसे हारमोनियम नहीं, अभी अभी तक अकेले ही बजाने की प्रैक्टिस है, उधर तालमेल नहीं बना अभी तक। थैंक यू। और किसी को कोई शब्द, दो शब्द कुछ बोलने हैं या किसी को कोई सवाल पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। हरि नाम के विषय में अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्रभु जी को पूछ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अमल गौरंग प्रभु, आपकी वजह से आज हमको प्रभुपाद जी के जीवन में भी प्रभुपाद जी ने जो हरि नाम को महत्व दिया है वो आज समझ में आया, और हम आशा करते हैं कि हम भी अपने जीवन में हरि नाम को प्रमुख स्थान देंगे और हरि नाम के आधार पे बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अमल गौरव प्रभु जी एवढी सेवा करताय त्याबद्दल पण त्यांना थँक्यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।